हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल अनूप स्टडी में। मेरे प्रिय छात्रों, आज जो है कि आपका चलेगा प्रश्न नंबर 21 से लेकर के जो है कि मैं 30 तक के प्रश्नों का सलूशन इस वीडियो में कराऊंगा। और हाँ, अभी तक के जो है कि शेष वीडियो को आप नहीं देख पाए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में का जो है कि लिंक दिया गया है, जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक आप जो है कि रखा गया है, डेट वाइज करके आप वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि पार्ट वाइज जो है कि आपका ये वीडियो चल रहा है। और मॉडल पेपर जो भी मैं सोल्यूशन करा चुका हूं, उनका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 21 से। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा नहीं लगेगा तो अनलाइक जरूर करके जाइएगा। और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपके लिए ऐसा वीडियो अपलोड करूं और समय से आपको नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 का। देखिए, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 21 में कह रहा है यदि दो व्यंजकों को मसा, ध्यान दीजिएगा, मसा आपका दे रखा है, मैं लिख ले रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। मसा आपका दे रखा है एक्स प्लस वन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और आपका जो लसा है, लसा दे रखा है एक्स का पावर फोर माइनस वन, ठीक है। तो कह रहे यदि एक व्यंजक, यानी पहला व्यंजक जो है आपका दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो कह रहे दूसरा व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो दूसरा व्यंजक आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिए, दूसरा व्यंजक ज्ञात करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आपका फॉर्मूला बनता है क्या, दूसरा व्यंजक बराबर होता है लसा गुणे मसा होता है, अबाटा में जो होता है पहला व्यंजक। और बस वैसे रख करके जो है कि आप तुरंत फटाक से हल कर लेंगे। और हाँ, हमें एल से जो है कि ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। जब तक मैं इसमें इंक भर रहा हूँ, आप जो है कमेंट द्वारा बताइए कितना ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट है, ठीक है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको जो है कि ऑप्शन से जो है कि हल करना है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए, तो बात कर रहे व्यंजक बराबर हो जाएगा मसा, मसा है x प्लस वन इंटू लसा, लसा आपका x का पावर फोर है, ध्यान दीजिए x का पावर फोर है। क्या इसको आप ऐसे रख सकते हैं, x का स्क्वायर, इसका क्या कर सकते हैं स्क्वायर, और इसका क्या स्क्वायर, तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, दूसरे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। कन्फर्म है, ये तो आपको अच्छी तरह से आता होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, इससे क्या हुआ, कट गया। तो आपका दूसरा जो व्यंजक है, दूसरा जो व्यंजक है आपका, दूसरा व्यंजक हो जाएगा एक्स प्लस वन, एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा वन। उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों, आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। और हाँ, हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर जो है आपका एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, कन्फर्म हो, यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, समझ में आया ना। तो चलिए, उम्मीद होगी कि ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, 21 नंबर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं जो है कि 22 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्रिय छात्रों, कि 22 नंबर का क्वेश्चन जो है आप कैसे हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 22 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है। मसा आपका दे रखा है 22 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है कि यदि x माइनस है आपका जो है कि दो व्यंजक का जो है कि x स्क्वायर माइनस छः, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, x स्क्वायर माइनस x माइनस छः, और एगो दिया है x का स्क्वायर प्लस थ्री एक्स और माइनस अठारह दिया, और ये करें इन दोनों का जो मसा है, देखिए ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, जो मसा है, मसा आपका दे रखा है x माइनस ए, जो पहला वैल्यू x माइनस ए कह रहा है कि जो x माइनस ए है, यानी कि इस व्यंजक का और इस व्यंजक का, ये जो है कि आपका मसा है, तो आपसे कह रहा है कि a का जरा मान ज्ञात कीजिएगा कि a का मान कितना होगा, यही आपसे फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, पहले इनका गुणनखंड करके हम मसा निकाल लें, और जो आपका मसा फाइंड होगा इस मसा के क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। क्यों बराबर करेंगे भाई, क्योंकि इन्हीं दोनों का तो ये मसा है, इन्हीं का तो मसा है, तो उस मसा के बराबर होगा। अब यहाँ गुणनखंड कर दीजिए तो आपका हो जाएगा तीन के, यहाँ पर माइनस है यहाँ प्लस, तो बड़े वाले का माइनस छोटे वाले का प्लस, तो घटे घटाने पर एक, गुणा करने पर छः, तो आपका एगो गुणनखंड बन गया एक्स माइनस तीन, और दूसरा का हो गया एक्स प्लस टू। ये तो आपको ट्रिक पता होगा ना, तो यहाँ से आप इसका करिए, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो एगो प्लस होगा एगो क्या होगा माइनस, तब तो घटेगा, घटाने पर तीन, गुणा करने पर अठारह, तो छः तेरी अठारह, छः में से तीन घटेगा कितना हो जाएगा तीन, कन्फर्म हो।
अब ये आपका हो जाएगा x प्लस वन हो जाएगा, दूसरा काम हो जाएगा x माइनस थ्री। अब ये कह रहे हैं इनका मसा आपका इतना दे रखा है ना, क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन हम लोग जब मसा निकाल रहे हैं तो आपका आ रहा है x माइनस क्या थ्री। अब यही आपसे पूछ रहा था कि जो है a का मान ज्ञात कीजिए, तो ये जो आपका मसा दे रखा है आपके प्रश्न में, यह जो मसा है, ये जो मसा आपका फाइंड हो रहा है, इस मसा के क्या होगा बराबर होगा, कन्फर्म हो। अब यहाँ से तो ये हो जाएगा, यहाँ से मैं लिख देता हूँ x माइनस ए बराबर हो जाएगा x माइनस थ्री, x x क्या हुआ कट गया, तो ये माइनस ए बराबर हो जाएगा माइनस थ्री, ए माइनस माइनस क्या हुआ कट गया, ए बराबर क्या। देखिए इतना टॉप क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग जो है कि इसे समझ भी गए होंगे क्योंकि बहुत साधारण था। मसा आपका दे रखा था तो पहले हम लोग इसका मसा निकाल करके जो मसा आपका दिया है उस मसा क्या कर देंगे बराबर कर देंगे, जो भी आपका मसा निकलेगा और जो मसा निकला है उसी से जो है कि ए का मान हम लोग निकाल लें। तो ए बराबर कितना मिला है तीन, और ए बराबर जो तीन मिला है मेरे प्रिय छात्रों ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट, कन्फर्म हो कि नहीं। ठीक है तो उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों ये तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है अच्छी तरह समझ में आ गया है ना। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ये आपका 22 नंबर रहा, कोई बात नहीं, देखिए हर एक प्रश्नों का सलूशन मैं समझा दूंगा और बहुत ही इजी तरीके से सलूशन कराया जा रहा है। ठीक ना, हमारे साथ बस जुड़े रहिए शुरू से लेकर अंत तक, तो आपको प्रत्येक प्रश्नों का सलूशन जो है कि अच्छी तरह से समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा 22 नंबर नहीं 23 नंबर में कह रहा है, ये 22 था आप लोग बना लेंगे, दो व्यंजक ए और बी, कह रहे हैं ए और बी जो एक दो व्यंजक है इनका मसा एच। ध्यान दीजिएगा मसा कितना है मेरे प्रिय छात्रों, मसा जो दे रखा है एच दे रखा है, मसा क्या दे रखा है एच। तो मान लेते हैं कि ए में जो है कि यक्स वाई अवय, यक्स एच अवय है, और बी में जो है कि एक्स वाई एच अवय है। मसा का मतलब क्या हुआ पहले आप लोग समझिए, मसा का अवयव एस, मसा उसे कहते हैं जो दोनों अवयवों में कॉमन हो। तो ये जो आपका अवयव है इसमें भी यच होना चाहिए, इसमें भी यच होना चाहिए, अब मां दूसरा अवयव कुछ भी आपका हो उससे लेना देना नहीं है, लेकिन यच दोनों में आपका होना चाहिए, कन्फर्म हो। तो मान लेते हैं इतना हम लोग बना लिए तभी तो यच आपका होगा। अब इसके बाद ये कह रहा है ना मेरे प्रिय छात्रों कि ए प्लस बी, ए प्लस क्या बी, कि a प्लस जो b है मेरे प्रिय छात्रों a प्लस बी निकालिए। a प्लस बी का मतलब क्या हुआ, यानी कि a वाले को b वाले को जोड़िए, तो दो देखिए ध्यान दीजिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ, x h प्लस y h दोनों में जोड़ दिए, और दोनों में कॉमन क्या है h कॉमन है, तो h कॉमन हो जाएगा यानी कि x प्लस क्या हो गया y, कन्फर्म हो, कन्फर्म हो ना। अब देखिए कह रहे कि a माइनस बी अब निकाल लीजिए, तो a माइनस बी का मतलब घटेगा a में से, यानी x h एक्सएस में, एक्सएच में से घटाना है क्या वाई एच, कन्फर्म बराबर आ जाएगा, दोनों में कॉमन देख लीजिए, दोनों में कॉमन एच है, यह हो जाएगा एक्स माइनस वाई। अब ये कह रहा है जो ए प्लस बी है और ए माइनस बी है उसी का जो है कि आप लोग मसा निकालिए, तो मसा में क्या होगा, मसा में देखिए मसा में दोनों में कॉमन क्या है एच, यानी कि इसका जो मसा होगा यानी कि आपका मसा हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों आपका क्या एच, क्या हो जाएगा एच। और आप लोग कहेंगे सर ये तो आपका एच यही है, तो आपको हल कर तो करना करके देखना पड़े, हो सकता है कोई और वैल्यू दी गई हो तो कैसे आप लोग करेंगे। ठीक ना, यानी मसा आपका कितना हो गया एच। तो ये आपका प्रोसेस रहा, उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया। तो चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 24 नंबर, बहुत सी सिंपल क्वेश्चन आ गया, इससे भी आसान क्वेश्चन आ गया 24 नंबर, जल्दी से हमें कमेंट द्वारा बताइए आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है चलिए 24 नंबर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, चलिए मैं रख लेता हूं पहले लिख लेता हूं उसके बाद मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है तो चलिए मैं यहां पर जो है कि ग्राफ रख लिया हूं, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, बस आप समझिए और तुरंत फटाक से हल कीजिए। देखिए कह रहे कि द्विघात समीकरण आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, कह रहे कि द्विघात समीकरण ये आपका द्विघात समीकरण दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। कह रहे यक्स के दो मान, यक्स के दो मान है, एगो दो है और या माइनस एक बटा में दो, यक्स के दो मान है या तो दो है या माइनस एक बटा में दो। कि कह रहा है कि मैं किस एक के लिए एम का मान होगा, अब इसमें जो कह रहा है कि यक्स का मान या तो आप दो रखिएगा या यक्स का मान आप या तो माइनस एक बटा में दो रखिएगा, और रखने के बाद इसमें जो m का मान होगा वह कितना होगा। तो हम लोग सिंपल क्या है, माइनस एक बटा में दो रखेंगे तो थोड़ा प्रोसेस आपका बढ़ जाएगा, इसलिए हम लोग कितना रखेंगे खाली दो। अब ये नहीं कि माइनस एक पर रखेंगे तो अलग आएगा, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। चलिए तो दो ही हम लोग रख लें तो यह हो जाएगा एम
दो रखेंगे, दो का स्क्वायर दो दूनी के चार, एक ही बार रख देता हूँ चार, आपको तो समझ में आ रहा होगा, ये तो आपको आता है। प्लस x का मान दो रखे, दो तीन है छः, आप प्लस दो बराबर कितना जीरो, कन्फर्म हो मेरे प्रिय छात्रों? छः दो आठ, आठ प्लस में होगा, इधर भेजिए माइनस आठ, चार से कटाइए चार दूनी के आठ, यम बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों? माइनस। बोलिएगा समझ में आया? बहुत सिंपल क्वेश्चन रहा, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ऑप्शन की हम लोग बात कर लें तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, कन्फर्म हो? ऑप्शन नंबर क्या है? बी आपका करेक्ट है। तो ये आपका 24 नंबर का क्वेश्चन रहा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं जो है कि 25 नंबर के क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ, कह रहा है कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा गर्मी भी बहुत रहा है, चलिए कोई बात नहीं है, चलिए देखते हैं 25 नंबर। देखिए क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है कि एक गोले का आयतन का संख्यात्मक मान, ठीक है, एक गोले का आयतन का संख्यात्मक मान, तो आयतन का होता है चार बटे में तीन पाई आर क्या क्यू, यही ना आयतन का फार्मूला था, गोले का आयतन का यही फार्मूला होता है चार बटे में तीन पाई आर क्यू, ठीक है, और वक्र पृष्ठ का आपका होता है क्या, फोर पाई आर स्क्वायर, कन्फर्म हो? फोर पाई आर स्क्वायर, समझ में आया? कमेंट द्वारा में जरूर बता दीजिए। ये तो समझ में आ गया, यानी गोले का वक्र पृष्ठ यानी कि हो जाएगा आपका क्या, यानी गोले का पृष्ठ फोर पाई आर स्क्वायर, ये आपका क्या था, गोले का आयतन, ये आपका आयतन था, मैं लिख दे रहा हूँ आयतन था, और ये आपका पृष्ठ, पृष्ठ था, तो पृष्ठ बराबर यानी गोले का पृष्ठ हो जाएगा फोर पाई आर स्क्वायर, और आयतन हो जाएगा चार बटा में तीन पाई आर क्यू, ठीक है। लेकिन आपका प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार चलिए पहले तो दोनों को बराबर कर लीजिए, प्रश्न और सच जब उठाते हैं तो बराबर कर देता ना दोनों समीकरण को, q बराबर फोर पाई आर स्क्वायर, ध्यान दीजिए कौन अधिक है कौन कम है, कह रहा है कि वक्र संख्यात्मक मान पाँच गुना है, गोले का आयतन का संख्यात्मक मान इसके पृष्ठ के संख्यात्मक मान का पाँच गुना, ध्यान दीजिएगा ये गोला वाला जो आयतन है इस वक्र पृष्ठ से ये पाँच गुना है आयतन जो है, प्रश्न देखिएगा ध्यान से प्रश्न क्या कह रहा है तभी आपको समझ में आएगा, कह रहा है कि गोले का आयतन का संख्यात्मक मान यानी कि हाई जो है गोले का जो आयतन है वह जो है पृष्ठ के संख्यात्मक मान का यानी कि हाई जो पृष्ठ का क्षेत्र पृष्ठ का जो है फार्मूला लगा है इसके संख्यात्मक मान का है क गुना है पाँच गुना, ध्यान दीजिए ये जो है आपका पाँच गुना है तो इसको भी बराबर करने के लिए इसमें क से गुणा करना पड़ेगा पाँच से गुणा करना पड़ेगा, यदि मान लीजिए ये पाँच गुना रहता तो इसमें भी क से गुणा करना पड़ता पाँच से ताकि दोनों इक्वल समीकरण हो जाए, कन्फर्म हो? चलिए चार से चार कट गया, पाई से पाई कट गया, दुगो आर से एक दुगो आर कट गया, एगो आर बचा, अब पानते हैं पंद्रह, यानी कि आर बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों? आपका हो जाएगा कितना? पंद्रह। ये तो कन्फर्म आपको समझ में आएगी, गोले की त्रिज्या आप कितनी हो जाएगी मेरे प्रिय छात्रों? पंद्रह, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर क्या आपका करेक्ट है, अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट है, क्लियर है? चलिए अब इसके बाद मैं लेकर चलता हूँ आपको 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ, बहुत सिंपल क्वेश्चन ये भी है, 26 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, कौन सा प्रश्न है किस टाइप का है, चलिए फटाक से अब आपको देखिए, यदि आपको फार्मूला याद होना होता सवाल का सोल्यूशन करने में ना या समझने में आपको दिक्कत नहीं होती, जब फार्मूला याद नहीं रहता है तभी समझने में दिक्कत होती है। चलिए 26 नंबर देखिएगा, तो प्रश्न नंबर 26 में करें एक खोखले बेलन बेलनाकार बर्तन, देखिए ये है एक बेलनाकार बर्तन आप बना लेंगे, ठीक ना, और ये कह रहा है कि इसमें जो है बर्तन का व्यास, ये टोटल आपका व्यास दे रखा है 14 का, 14 का व्यास है तो त्रिज्या r बराबर 7 की हो जाएगी कि नहीं, अब ये कह रहा है कि इसमें कुछ पानी भर, मान लीजिए सपोज दैट इसमें कुछ क्या किया गया है, पानी भरा गया है, क्या भरा गया है, पानी भरा गया है, अब ये कह रहा है पानी जो भरा है ठीक है लेकिन इसमें एक घनाकार लोहे का वस्तु डुबाया जाता है, जैसे एक घनाकार लोहे की वस्तु को डुबाया जा रहा है, ठीक ना, ऐसे सपोज दैट बना लेंगे घनाकार बनाकर उसमें डुबो देंगे, ठीक ना, अब इसमें कह रहा है कि
पूर्णतः डूबने पर पानी की सतह, अब मान लीजिए इसमें सपोर्ट है, इसमें पानी की सतह जो मान लेते हैं हाइट इतनी उठी जो ऊंचा हो जा रहा है, या इसमें ऐसे जैसे मान लीजिए इतना सपोर्ट है, इतना पानी भरा हुआ है, जैसे मान लीजिए इतना पानी भरा हुआ है, पहले से पानी भरा हुआ है और जब घन को डूबोया जा रहा है तो इसके सतह जो है आपका जो है कि उठ जा रहा है, क्या हो जा रहा है, उठ जा रहा है। तो अब ये जो सतह उठेगा, ये जो सतह आपका उठेगा वो हाइट का काम करेगा, इतना सतह उठ रहा है और सतह जो है इतना सेमी वृद्धि हो जाती है, अब इसमें वृद्धि हो रही है 8 सही 9 बटा में कितने का, 14 का वृद्धि हो जा रही है। अब देखिएगा कोई भी घना बना, यदि घन को हम लोग डूबोएंगे, घन को यदि किसी पानी के किसी बर्तन में, यदि घन को जैसे मान लीजिए किसी बाल्टी में जो है कि घन पानी भरा हुआ है और जो है कि उसमें किसी घन को यदि हम डुबोते हैं या ईंट को ही यदि डुबोते हैं ना, जितना ईंट का आयतन होगा वह अपने आयतन के बराबर जो है कि पानी को ऊपर कर देगा, ठीक ना, समझे, यानी अपने आयतन के बराबर जो है पानी को वह हटाएगा, ठीक ना। उसमें भी जो इसका आयतन होगा यानी घन का जो आयतन होगा अपने आयतन के बराबर जो है पानी की सतह को उठा देगा, यानी कि ये जो आपका उठ गया 8 सही 9 बटा में 14, यही ना एच है आपका, मान लीजिए सपोज दैट, मान लीजिए क्या एच का काम करेगा। तो अब ये घन का जो आयतन होगा बेलन के आयतन यानी जो ये भाग उठा हुआ है इस आयतन के क्या होगा, बराबर होगा, तो त्रिज्या तो कितने की होगी, 7 की होगी। यहाँ पर लिखेंगे आप लोग घन का आयतन बराबर क्या, बेलन का आयतन, आयतन, ठीक है। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, ए का क्यू होता है, अब बेलन का आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एच, क्योंकि उसका जो भी पानी, अरे भाई बेलनाकार बर्तन है तो जो भी पानी उठेगा तो उस पानी का आकार भी बेलन के ही आकार का होगा, और ये जो पानी विस्थापित करेगा, ये जो घन आपका पानी हटाएगा अपने आयतन के बराबर ही पानी को क्या करेगा, हटाएगा, अरे भाई इसका उसका जितना आयतन रहेगा वो इतना ही तो हटाएगा वो, तो यह जो है बेलन का यानी घन का जो आयतन है हटाएगा कितना पानी, बेलन के आयतन, यानी कि जो बेलन का आयतन यानी कि जो पानी आपका बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है, वह अपने आयतन यानी घन के आयतन के बराबर ही वह पानी को क्या करेगा, हटाएगा, विस्थापित करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो यह बेलनाकार बर्तन बन रहा है यानी बेलन के आकार का जब उठा हुआ पानी जो उठेगा वह बनेगा तो बेलन का बनेगा, यानी जब यह पानी उठेगा तो इसका भी आकार बेलने का होगा, तो यानी कि घन का आयतन बराबर बेलन का आयतन, यानी कि जो भी बेलन का आयतन होगा पानी उठेगा बेलन, बेलन में जो पानी उठेगा वह बेलन का ही आकार का होगा, और उठा हुआ जो पानी है वह घन के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि क्यों बराबर होगा, क्योंकि घन का जितना आयतन रहेगा ना वह अपने आयतन के बराबर ही पानी को विस्थापित करेगा, यानी कि वह ऊंचा उठाएगा उतना, कन्फर्म हो अब। तो यहाँ पर हो जाएगा ए का क्यू बराबर हो जाएगा, पाई का मान होता है 22 बटा में 7, त्रिज्या 7 गुणे कितने की है, 7 की। अब हाइट कितनी है, 8 सही 9 बटा में 14, यानी गुणा कर दीजिए तो यह हो जाएगा 8 चौक 32 को 2 हासिल 3 हुआ, 8 एकम 8, 8 3 11 हो गया, इसमें 9 जोड़ दीजिए, 9 दो 11 को 1 हासिल 2, यानी 121, यह हो जाएगा कितना, 121, 121 बटा में कितना हो जाएगा आपका मेरे प्रिय छात्रों, 14, बोलिए कन्फर्म है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, 7 से 7 कटेगा 7 से कटेगा 7, 7 दूनी के 14, ठीक, 2 से कटा दीजिए तो यह हो जाएगा कितना, 11 हो जाएगा। अब यह हो जाएगा ए का क्यू बराबर हो जाएगा 11 गुणे 21 को क्या लिख सकते हैं, 21 को 11 गुणे 11 लिख सकते हैं कि नहीं, आ यह ए बराबर जब घन यहाँ से हटेगा तो यह करणी में होगा, यानी कि यह 3-3 का क्यू मानेगा, यानी 3-3 का जोड़ा मानेगा, मांगेगा ना, और 3-3 का जोड़ा का मतलब क्यू, और क्यू का मतलब क्या, ए बराबर 11, यानी कि जब 11 का घन बनाएंगे 3-3 का जोड़ा बनाएंगे तो कितना 11 निकलेगा, उसमें से 1 11 आपका निकलेगा, तो यानी कि जो आपका घन की कोर की लंबाई है, यही आपसे पूछ रहा था, घन के कोर की जो लंबाई होगी, लंबाई कितना होगी, तो मेरे प्रिय छात्रों आपका 11 सेमी होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कन्फर्म हो, ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आया कि नहीं, समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़िए, तो उम्मीद होगी ये समझ में आया। अब इसके बाद मैं लेकर चलता हूँ आपको 27 नंबर की तरफ, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगता है ना, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, चलिए, और हाँ अच्छा नहीं लगता है तो अनलाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, चलिए। तो ये आपका 26 नंबर रहा, जरा 27 नंबर के क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए। ध्यान दीजिएगा 27 नंबर क्वेश्चन इतना सिंपल है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक ना। देखिए कह रहे कि 9 एक्स स्क्वायर 9 बटा में एक्स स्क्वायर
प्लस दे रखा है मेरे प्रिय छात्रों 4y2। करिए इसमें क्या जोड़ा जाए, यानी कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये फार्मूले के रूप में चला जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। देखिए 9 बटा में x स्क्वायर है तो 9 को लिख सकते हैं, 3 या x स्क्वायर को लिख सकते हैं x, आप पूरे का घात कितना लिख सकते हैं, सॉरी 2, समझ में आया। प्लस 4 को लिख सकते हैं 2, y को लिख सकते हैं y, आप पूरा घात कितना 2, क्योंकि फिर इसको हल करेंगे तो इतना आएगा, ध्यान दीजिएगा इसको हल करेंगे तो फिर आपका इतना आएगा। अब फार्मूला क्या कहता है, ध्यान दीजिए फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहता है कि ए स्क्वायर हो प्लस बी स्क्वायर हो प्लस 2ab होना चाहिए, 2ab होना चाहिए। तो इसमें करें क्या जोड़ दें कि यह जो है कि आपका एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यानी फार्मूला कहता है यहाँ पर देखिए 2 गुणे होता है तो 2 गुणे लगाइए, ए वाला पद तो ए वाला पद है 3 बटा में x है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल तरीका। और गुणे बी वाला कह रहा है तो बी वाला कितना है 2y, यानी कि इसमें कितना जोड़ा जा रहा है, देखिए 2×3=12, यानी कि 12y बटा में कितना x, क्या किया जा रहा है जोड़ा है, यानी कि 12y बटा में x यदि जोड़ दें तो मेरे प्रिय छात्रों तो ये फार्मूले में चला जाएगा 3×x + 2y/2। है बहुत सिंपल तरीका ना, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस रहा, यानी कि 12y बटा में x यदि जोड़ दें तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो हम लोग ऑप्शन की बात कर लें मेरे प्रिय छात्रों, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 12x/y, ठीक है, 12x/y ये भी कैंसिल, 6y/x ये भी कैंसिल, 12y/x कन्फर्म, यानी कि 12y/ कितना x, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। बहुत सिंपल तरीका, यानी कुछ नहीं करना था, कह रहा था कि आखिर में कितना जोड़ दें कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है, यानी कितना जोड़ा जा रहा है आप लोगों का, यानी कि 12y/ कितना x यदि हम लोग जोड़ दें मेरे प्रिय छात्रों, इसमें आसानी से यह पूर्ण वर्ग बन सकता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। चलिए इसके बाद मैं लेकर चलता हूँ आपको 28 नंबर पे। देखिए 28 नंबर भी बहुत सिंपल है, आप सोच भी नहीं सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 28 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि P2=0। भाई देखिएगा P2 कितना है 0, यानी कि यहाँ पर कह रहे हैं कि आखिर में PX बराबर ऑप्शन 4 आपके दिए गए ना, तो कह रहे हैं कि आखिर में PX ऑप्शन 4 को लिख दे रहे हैं हम, उसके बाद आपको समझा दे रहे हैं, यानी कि दिया है X+2 ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, X-2 दिया है, तीसरा ऑप्शन दिया है मेरे प्रिय छात्रों X दिया है, चौथा ऑप्शन दिया है मेरे प्रिय छात्रों आपका दिया है 2X। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 0 है ना, तो यहाँ पर X का वैल्यू कितना पुट करना पड़ेगा, 2, यानी कि वह कहने ये कंडीशन ये आपसे कह रही है कि मेरे प्रिय छात्रों आपका यह कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कि उसमें 2 यदि रखा जाए, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप 2 रखें तो वह कितने के बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो इसमें 2 रखेंगे 2×2=4, ये ऑप्शन कट, 2 रखेंगे 2×2=0, ये ऑप्शन करेक्ट, इसमें 2 रखेंगे तो 2 रह जाएगा कट, 2 रखेंगे 2×2=4 हो जाएगा कट, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे प्रिय छात्रों, आपका बी करेक्ट है, यानी कि X-2। बोलिए कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल रहा, कन्फर्म हो, समझ में आ रहा है ना। चलिए इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं मेरे प्रिय छात्रों जो है कि 29 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा ये तो 28 नंबर का रहा ना, चलिए 29 नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, बहुत सिंपल तरीका है इसका भी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आप 28 नंबर का आपका हो गया, 29 नंबर का देखिए, ध्यान दीजिएगा 29 नंबर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि मैं लिख रहा हूं आप तुरंत आंसर बताइए, कह आंसर बताइए 2x³ दे रखा है प्लस 3x² दे रखा है -4x + क्या दे रखा है के, कह रहे हैं कि व्यंजक जो है यानी x-2 से यह पूर्णतः विभाजित है, कोई बात नहीं, x-2 से यह पूर्णतः विभाजित है तब तो अच्छी बात है, तो बराबर इसको 0 को करके इसका x का मान निकाल लीजिए, x बराबर इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस, ध्यान दीजिएगा जब पूर्णतः यह विभाजित है तो वह एक गुणनखंड होगा, और जब गुणनखंड यह है तो आप x = 2 पे रख करके जो है कि x का मान जो है कि पहले निकाल लीजिए, तो x का मान 2 आ गया, अब यही x का मान इसमें रख दीजिए डायरेक्ट, यहाँ पर रख देते हैं 2 × 2 का क्यू करेंगे ना तो 2×2=4×8, ये तो आपको आता होगा, विस्तार से इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, 3×2² 2×4 −4×2 और प्लस के बराबर कितना ले लेंगे मेरे प्रिय छात्रों 0, कन्फर्म हो, 8×16 + 4×3=12,
माइनस चार दूनी के आठ प्लस के बराबर कितना हो गया मेरे प्रिय छात्रों 20। कन्फर्म। अब देखिए 6 2 8 अब एक एक 2 28 हुआ माइनस 8 प्लस के बराबर कितना हो गया मेरे प्रिय छात्रों 0। घटा दीजिएगा 20 हो गया प्लस के बराबर कितना हो जाएगा 0, तो के बराबर कितना हो जाएगा ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस 20। ठीक है, तो के बराबर हो गया ये माइनस 20। तो आप पहले सोल्यूशन कर लिए होंगे क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन रहा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ तक तो कंप्लीट हम लोग किए, ये 29 नंबर था। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका 30, और 30 क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत टीआर अटपटा अभी क्वेश्चन है और हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, और वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ भी जाएगा। चलिए यहाँ से पहले मैं इसको हटा देता हूँ और बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, तो ज़रा 30 नंबर को ज़रा ध्यान से समझिएगा और उम्मीद होगी कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक ना, यदि अच्छा लगेगा तो ही लाइक कीजिएगा। चलिए कह रहा है कि 20 लीटर मिश्रण में 33 1/3% अम्ल है, सॉरी 24 लीटर हो गया, 24 लीटर कोई मिश्रण है, इसमें से जो है कि आपका 33 1/3% जो है ना आपका अम्ल है। क्या है? अम्ल। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, अम्ल है। अब तो बच गया कितना, 100% में से जो है 33 1/3% अम्ल है, तो आपका जो है कि पानी कितना हुआ मेरे प्रिय छात्रों, पानी का परसेंटेज रह जाएगा 66 2/3% जो है कि पानी रह जाएगा। है क्या हो गया, पानी, इतना उसमें पानी है। ठीक है, अब 24 लीटर तो मिश्रण है, ठीक है, लेकिन इस मिश्रण में जो है कि अम्ल भी है और पानी भी मौजूद है, तो 24 लीटर पर यदि 33 1/3% निकालेंगे तो यह 8 लीटर हो जाएगा। कितना लीटर? 8 लीटर। हाई हो जाएगा कितना लीटर मेरे प्रिय छात्रों? 16 लीटर। क लीटर? 16 लीटर। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर कैसे आप फटाक से निकाल देंगे पानी कितना है, अम्ल कितना है। देखिए 24 का जो है 33 साढ़े तैंतीस परसेंटेज अम्ल है ना, 24 का 33.5% निकाल दीजिए, 3 3 99 100 100/3, अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100, हर एक मानेंगे इससे ये कट जाएगा, 3 8 24 यानी कि 8 जो लीटर है यह अम्ल हो गया। और 24 लीटर में 8 लीटर अम्ल हो गया तो शेष बचा कितना, 16 लीटर, यानी कि 16 लीटर क्या हो जाएगा, पानी। अब समझे, या उसका भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 24 लीटर पे जो है कि आप जोड़ दीजिए 36 18 18 2 20 को सुनना हासिल दूँ 36 18 2 20 200/3 का जो है कि 100%, 100% का मतलब बटा में कितना 100, दो जीरो कट गया, हाई 3 8 24 और 8 2 16 यानी 16 लीटर आपका कितना हो गया, पानी। कन्फर्म हो? अब देखिए आगे देखिए, ये कह रहा है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, और आगे कह रहा है कि यदि इसमें पानी मिलाया जाए कि मिश्रण 20% अम्ल हो जाए। आखिर में कह रहे इसमें कितना पानी मिलाएं, इसमें कितना पानी मिलाएं, कंडीशन यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, करे 24 जो लीटर है ना इसमें पानी कितना मिलाए कि जो अम्लवा है 20% हो जाए। अम्ल कितना है, 20% अम्ल, 20% अम्ल ना, 24 लीटर में कितना पानी मिला है कि 20% अम्ल, तो जब 20% अम्ल होगा तो पानी को परसेंटेज होगा 80% पानी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो जब पानी है में यह मान लेते हैं कि पानी यक्स मिलाया जा रहा है, यक्स लीटर पानी मिलाया जा रहा है, जब यक्स लीटर पानी मिलाया जा रहा है तो 20% अम्ल है और 80% क्या है, पानी, तो 80% पानी में, ठीक है, 80% पानी में देखते हैं कितना आखिर में पानी है, कितना आखिर में पानी है, कितना लीटर पानी है, तो ठीक है कोई बात नहीं है। तो पहले क लीटर था 16 लीटर ना, आ इसमें एक्स लीटर जोड़ दिया जा रहा है तो 16 प्लस कितना हो जाएगा, एक्स, यानी कि अब यह हो जाएगा टोटल 16 प्लस कितना, एक्स, बस ये लीटर तो वही रहेगा, ये चेंजिंग नहीं होगा, 16 लीटर आपका वही होगा, जितना पानी आप जोड़ रहे हैं इसमें बस क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस पानी का परसेंटेज निकाल करके इस पानी के क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए, यह हो जाएगा एक्स प्लस 24 गुणे 80% ना, तो 80 हो गया, अब बाटा में क्या 100, बराबर कितने लीटर के हो जाएगा, यानी पहले 16 लीटर पानी था ना, और एक्स लीटर इसमें जोड़ गया है, जितना पहले पानी था ना उसी में जो है कि एक्स लीटर आपको जोड़ देना है, तो
तब आपका अम्ल इतना हो जाएगा, ठीक ना। इतना समझ में आया। अब इसके बाद चलिए इससे इसको कटा दीजिए और दो चौके आठ, दो चौके आठ और ये दो पचे दस, पाँच हो गया। इसके बाद मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये हो जाएगा चार एक्स हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए चार एक्स हो जाएगा प्लस चार चौके सोलह को छः अस्सी लेख चार दुनिया को आठ एक नौ बराबर पाँच से मल्टीप्लाई कर दीजिए पाँच सोलह पचे अस्सी आप प्लस पाँच कम पाँच एक्स। इसको इधर भेजिए इसको इधर लाइए तो यह हो जाएगा छियानवे माइनस अस्सी और यह हो जाएगा पाँच एक्स माइनस चार एक्स। यह हो जाएगा छियानवे में से अस्सी घटा दीजिए मेरे प्रिय छात्रों तो आपका सोलह हो जाएगा, सोलह बराबर कितना एक्स, यानी कि ये जो आपका है कितना लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, सोलह लीटर यदि पानी हम लोग मिला दें, कितना लीटर पानी सोलह लीटर पानी मिला दें तो आपका अम्ल का परसेंटेज होगा बीस परसेंटेज, ठीक है। क्या रहा है वही पूछ रहा था कितना लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। तो उम्मीद हुई मेरे प्रिय छात्रों ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया, और अभी तक समझ में नहीं आया तो एक बार और फिर से रिवाइज करके देखिए आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, कन्फर्म हो। चलिए तो ये रहा इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अभी तक का वास्तव में वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा ताकि जब भी हम लोग इस टाइप के वीडियो आपके लिए अपलोड करें समय से नोटिफिकेशन पहुँचती रहेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।